हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ब्लैक पाउडर फ्यूज बनाएंगे। इस फ्यूज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ये ब्लैक पाउडर। तो दोस्तों, ये ब्लैक पाउडर मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखा दिया था, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। थोड़ा ब्लैक पाउडर और डालेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा पतला हो गया। तो दोस्तों, इसकी इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी, जैसे आप देख पा रहे हैं, ऐसी ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हमें चाहिए होगा एक कॉटन का धागा। दोस्तों, हमें कॉटन का धागे का यूज़ करना है, किसी पॉलिएस्टर के धागे का यूज़ नहीं करना, जिसमें बहुत सारे धागे हों। हमें सिर्फ उसी धागे का यूज़ करना है, क्योंकि ये ब्लैक पाउडर को अच्छी तरह से पकड़ लेंगे। ये धागा आपको दोस्तों नल, जहाँ से नल टूटी वगैरह का सामान मिलता है, ये वहाँ से मिलेगा आपको। दोस्तों, ये बारूद इस धागे को अच्छी तरह से पकड़े रहे, इसलिए इसमें कॉर्न स्टार्च भी मिलाया जाता है। वो मैंने पहले जो उससे पहले जो ब्लैक पाउडर की वीडियो बनाई है, मैंने इसमें सब बताया, आप जाकर एक बार देख लेना। दोस्तों, इसके एक एक हर हिस्से पे ये हमारा जो ब्लैक पाउडर है लग जाना चाहिए। तो दोस्तों, बारूद तो हमारा इस धागे पे लग चुका है, पर दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे एकदम से साफ कर देते हैं धागे को। तो वो तरीका गलत है, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। आपको गत्ता लेना है, चाहे कोई भी चीज़ ले ले, उसके एक नुकीली चीज़ से जितना मोटाई आपको फ्यूज की चाहिए ना, बस उसमें एक छेद कर लिए। ये मैंने छेद कर लिया दोस्तों। इससे क्या होगा, जितनी हमें फ्यूज की मोटाई चाहिए ना, तो उस पर गन पाउडर ज्यादा लगा रह जाएगा, तो उसके जलने की क्षमता ज्यादा अच्छी होगी। दोस्तों, इस तरह से आपको इसके छेद के अंदर से इसको निकाल लेना है। तो दोस्तों, हमारा फ्यूज बनकर रेडी है, बस इसको सूखने का वेट करना है हमें। तो दोस्तों, हमारे फ्यूज सूख कर एकदम रेडी हो चुके हैं। चलिए अब इनकी टेस्टिंग करते हैं। कभी टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, काफी अच्छे हमारे फ्यूज हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।